हेलो जी एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो जी एंड नमस्ते, खमा गड़ी एंड वेलकम टू राजस्थान। पधारो मारे देश, पधारो मारे राजस्थान। कितना फ्लेवर है ना इन दोनों लाइंस में। तो इसी फ्लेवर को अच्छे से समझने के लिए और एक्चुअली में टेस्ट करने के लिए मैं आई हूँ राजस्थान में। ये सफर स्पेशली ऑर्गेनाइज करा गया है बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स फैशन ट्रेल एंड राजस्थान टूरिज्म। सो अब इतनी सारी एंटिटीज इन्वॉल्व है इसमें, तो डेफिनेटली ये पूरी जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत अच्छे से क्यूरेट करी गई है अराउंड द क्यूजीन ऑफ राजस्थान। जयपुर से सफर की शुरुआत करने वाली हूँ। So on the house is one of those places which serve the best continental cuisine in this city. It is a goat cheese soup. So I just read out the 7-course menu for you. We have burrata and green leaf salad with honey balsamic dressing garnished with sun-dried tomatoes and walnuts. Wow. Then we have appetizers in which we have zucchini, cashew nut patty, we have a truffle sauce pasta. Pasta, it's filled with the mushroom, moon shape, mezzaluni. Moon shape. 6th course. बहुत कुछ खाया है लेकिन फिर भी बहुत लाइट लग रहा है। After having the meal, the showstopper definitely was the dessert. Biting into little piece of heaven. And after having this elaborate 7-course continental meal, अब time था streets पे निकलने का, जयपुर की old world city में घुसने का। 70 साल पुरानी दुकान है जी सी डेयरी करके, गुलाबचंद डेयरी करके। This is rabdi and this is fruit cream. They also have amazing variety of white makhan and yellow makhan. Authentic makhan मिलना it's super difficult. के दादा की ओन करी हुई शॉप है ये, सुबह 5 बजे खुल जाती है। बट ये कोई आम कचौड़ी नहीं है, मतलब कचौड़ी तो आम है लेकिन सर्व आम तरीके से नहीं होती। कचौड़ी के साथ दही खाई, वेरी नाइस। फिर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जिसको फेमसली LMB भी बोला जाता है, ये 300 साल पुरानी दुकान है। वहाँ पर ट्राइड देयर बादाम मिल्क, देयर इनोवेटिव सूप, पापड़ मंगोड़ी सूप, ठंडाई, उनकी थाली, उनकी चाट थाली, उनका घेवर। जो डे वन पर लास्ट चीज एक्सपीरियंस करने को बची थी वो था जय महल पैलेस। सारे किलोमीटर्स कवर करने के बाद फ्रॉम जयपुर अभी मैं आ गई हूँ मंडावा में, और मंडावा में है स्पेशल लंच एट डिजर्ट रिजॉर्ट मंडावा। शेखावटी रीजन कॉम्प्राइजेज ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स, झुंझुनू, चूरू एंड सीकर। शेखावटी इज फेमस फॉर द पेंटेड हवेलीज। अच्छा, खाना खाने से पहले खाने की प्रिपरेशन जो यहाँ पर हो रही है, करंटली मैं स्टे कर रही हूँ लक्ष्मी निवास पैलेस में, विच इज 100-year-old प्रॉपर्टी। So I tried their dal bati, gatta pulao, ghevar and then lohi ka halwa. Wow, matlab maza hi aa gaya aaj to. For non-vegetarians, this property is known for their amazing and authentic lal mas dish. Ye property to raat mein to maine dikha di, subah ek baar zarur dikhana chahungi iske jo exteriors hain. So I'll see you in the morning.
स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे तो ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो रेलवे स्टेशन रोड पे देयर इज अ शॉप कॉल्ड छोटू मोटू जोशी। आलू पूरी खा रही हूँ, इट्स स्पाइसी गले के लिए, मतलब ऐसे गले में जाके ना हिट कर दिया। यहाँ का फ्लेवर बड़ा डिस्टिंक्ट है और ऐसे लगता है कि उसमें अचारी अचारी फ्लेवर आ रहा है एंड विच यू नो टेस्ट रियली नाइस एंड वेरी राजस्थानी। ये कम से कम 110 साल पुरानी दुकान है। तो मेरे दादाजी का नाम छोटू लाल जोशी था और उनके भाई का नाम मोटू लाल जोशी था, तो इन दोनों ने मिलके छोटू मोटू जोशी फर्म बना ली है। पर मेरे जो दादाजी थे यहाँ के राजाओं महाराजों के यहाँ पे 15-15 बच्चे एक साथ मिलके काम करते थे, राज घराना के राज रसोइया कहलाते थे उस टाइम के। अब मैं आ गई हूँ चुन्नीलाल शरबत वाली दुकान पे। इनके यहाँ का खसखस बेला शरबत और बहुत सारे शरबत इनके आगे फेमस है। ये भी बड़ी पुरानी दुकान है, ये 1939 से। तो यार ये तो अंग्रेजों की पहले वाली दुकान है, चुन्नीलाल शरबत वाली। इस टाइम मैं आ गई हूँ नागौर डिस्ट्रिक्ट पे फॉर अ वेरी स्पेशल लंच। तो चलते हैं 16th सेंचुरी पुराने खिमसर फोर्ट में, ओन बाय खिमसर महाराज की फैमिली। अभी मैंने भुट्टा और बूंदी का रायता डाला है। अभी मैं पनीर, कौन सा पनीर है, पनीर धुआंदार। मेरे को रायता टेस्ट करने का बड़ा एक्साइटमेंट थी। सोया वाली जो मैंने दाल टाइप ली थी वो बहुत अच्छी है। हर चीज़ का यहाँ पे फ्लेवर इतना अलग है, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है जो लाइट ऑन स्पाइसेस रहो लेकिन उसके फ्लेवर्स भी बहुत हो। हाँ, फ्लेवर्स बहुत है उसमें। मैंने लिया है जंगली मांस और खिमसरी स्पेशल चिकन और गट्टे का पुलाव एंड दाल एंड एवरीथिंग इज सो सो अमेजिंग। जंगली मांस इज बेसिकली मटन बट इट्स सो गुड, यू कांट कंपेयर इट विद एनी अदर टेस्ट। एंड ये खिमसरी जिसमें फ्लेवर ऑफ कसूरी मेथी सो नाइस सो बटरी, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बेसिकली जंगली मांस में क्या होता था, पहले जैसे हम हंट करने जाते थे, जब हंटिंग पे जा रहे थे हम दुनिया भर की चीज़ें कैरी नहीं करते थे, तो हम लिमिटेड चीज़ें लेके जाते थे। वहाँ पे गए, हमने हंट किया और फिर हमने उसको वहीं पे कुक किया और फिर हमने खाना, इसीलिए नाम पड़ा था जंगली मार्ग। मुझे पता चला है कि राजस्थानी स्पेशलिटी डिजर्ट में है गोंद पाक हलवा। वाओ, यहाँ पे बेसन की चक्की भी थी। वाओ, राजस्थानी कुजीन बेसिकली है मेड अप विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ कसूरी मेथी, लोकली सोर्स रेड चिली। So if you having a jungle mass, you can taste the spiciness of that local chili. यार राजस्थान इज़ ऑल अबाउट फोर्ट्स एंड पैलेसेस और यहाँ ये खिमसर फोर्ट जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ सो ग्रैंड एंड सो रॉयल, सो वेल मेंटेन, देख के मज़ा आ गया इसको। यहाँ का खाना खा के भी बड़ा मज़ा आया। और मैं अभी इस टाइम हूँ मारुगढ़ रिजॉर्ट में इन जोधपुर, फाइनली हियर, यहीं पे स्टे करना है आज। कुछ अमेजिंग सा कल्चरल कुछ होने वाला है। कड़ा गोश्त जो है कोई ज़रूरी नहीं है मटन का ही हो, चिकन भी होता है इसके अंदर, मटन भी होता है, खरगोश भी होता है, बटेर भी होता है। पुराने समय में जब राजा महाराजा लड़ाई पे जाते थे उन सब के पास क्या सूखे मसाले होते थे पेट भरने के लिए, उस समय गड्ढा खोदते थे लकड़ी या कोयले को जो है बना के उसके अंदर उस पर लेप लगा के उसको पकाते थे। तो उसको ढकने के लिए हम लोग उसको रोटी जो होती है उसको उसके ऊपर और लगा देते हैं, इसके साथ वो रोटी भी जो है वो उसके अंदर पक जाती है और उसका भी एक स्वाद जो है वो अलग होता है। खड़गोश बोला जाता है उसको। बहुत ही बढ़िया बना, बहुत शानदार। कैंडल लाइट डिनर हो रहा है मारुगढ़ में। तो जोधपुर में राजस्थानी जो फ्लेवर्स मैं ट्राई करने वाली हूँ वो यहाँ पे एक जनता स्वीट होम करके एक दुकान है। इट्स अ 30-year-old शॉप। शुरुआत उनकी ऐसे हुई थी कि इनके जो दादाजी हैं अपने ठेले पे मिठाइयाँ बेचते थे, तो अभी इन्होंने बहुत एक्सपैंड कर लिया है।
जोधपुर। तो ये सुंदर सी जगह है सदर मार्केट गिरदीकोट जोधपुर में, और आसपास पूरी हवेलियाँ और ब्लू सिटी भी यहाँ से बहुत पास है, 3 किलोमीटर ऑटो से, 1 किलोमीटर पैदल। और ये रहा क्लॉक टावर। जोधपुर में विजय रेस्टोरेंट में यू कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग मलाई की रोटी। उसका स्वाद थोड़ा रहता है, वो मलाई को जैसे चाशनी में डाल दो और उस पर बहुत सारा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दो, वैसा रहता है। जोधपुर विच इज नोन एज द ब्लू सिटी, और ऊपर से कहीं से मेहरानगढ़ फोर्ट से देखा उसको, आई रियली वॉन्टेड टू गो इनसाइड। फिर जोधपुर से उदयपुर की जर्नी रही कुछ 6 से 7 घंटे की, बीच में छोटा सा चाय का ब्रेक भी लिया, और अब मैं हूँ उदयपुर में, द सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, द वेरी ब्यूटिफुल एंड द वेरी रॉयल चुंडा पैलेस। वेरी प्लेजेंट एंड ब्यूटिफुल मॉर्निंग हियर एट चुंडा पैलेस इन उदयपुर। मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा ही रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे बताना है कि आज से उदयपुर की साइट सीइंग थोड़ी बहुत जितनी हो पाए एक दिन में वो शुरू है। देयर इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल क्लोजिंग सेरेमनी कमिंग अप एट द एंड ऑफ द डे। मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट में आज किया है। चुंडा पैलेस की ब्रेकफास्ट की वैरायटी बहुत अमेजिंग है। दे लिया है इडली, आई हैव फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, इन्होंने बनाना भी मुझे दे दिया मेरी रिक्वेस्ट पे। देयर हैव साबूदाना खिचड़ी एंड मैं पूल साइड पे बैठ के खा रही हूँ। जैसे आप लोग आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार देख ले कि जो जो आउटफिट्स मैंने इस वीडियो में पहने हैं वो कहाँ से लिए, कैसे लिए। तो शुरुआत करते हुए, दिस टॉप आई हैव गॉटन फ्रॉम Amazon। आई लव इसका जो कलर है, पीच सा प्यारा सा समरी सा, आई लाइक द फिट। ये मुझे पड़ा 898 rupees का, अमेजिंग परचेज। देन आई गॉट दीज सैंडल्स जो कि काफी फैंसी लुकिंग है एंड काफी कंफर्टेबल है ट्रैवल को ध्यान में रखते हुए। सोल काफी बढ़िया है इनका, पूरा राजस्थान ट्रिप में वो पहन के ही निकाला है। ये मुझे 401 rupees के पड़े। ऑल दीस प्रोडक्ट्स दैट आई एम शेयरिंग, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। ये जो ड्रेस है जिसमें मैं पैलेसेस और फोर्ट्स में ट्रैवल कर रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्लीव थोड़ी फोल्ड करके रखी है, गर्मी थी, स्लीव आर द बेस्ट स्लीव। सो आई गॉट दिस ड्रेस फॉर 1500। ये जो श्रग है ब्लैक कलर का, एकदम नेट वाली फील में है। कुछ होता है ना श्रग जो बिल्कुल बॉडी टाइट होते हैं, ये वैसा नहीं है, ये काफी फ्लो रहता है। दिस आई गॉट फॉर 699। देन इसके नीचे पहनने के लिए आई गॉट दिस टैंक टॉप फॉर 329 rupees। बहुत ही गर्मी होने वाली है, आई हैड टू गेट अ डियो स्टिक कारा मेसी का। दिस इज अ नेचुरल रोल ऑन, केमिकल्स नहीं है इसमें, लास्टिंग पावर, इट स्टेज फॉर लाइक हाफ अ डे, 186 rupees। दिस इज अ फैनी पाउच, इसको मैंने ऐसे लगा के यूज करा है पूरी ट्रिप में। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्टफ, लाइक वॉलेट आ गया इसमें, सैनिटाइजर वगैरह। ये चेन का डिटेलिंग भी अच्छा है काफी, मुझे पड़ा 669 rupees का। एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon वाज दिस टॉप, थोड़ा नेट मटेरियल में है, लव दिस डिटेल हियर, आई गॉट इट फॉर 569। हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो, चलते हैं। कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सब? किधर जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया होगा, और नहीं करा तो उड़ जाओ, वरना तुम्हारी माँ कूट देगी तुम्हारे को। आमिर आमिर बन के आई हुई है। रणबीर की आलिया, नागपुर ची आली मैडाती मैन ईटर। हाँ जी बताया जो है। आप मेरे नजारे पे ओवरटेक कर लिया अपने गॉड सेट से। मैंने कर लिया फुल ओवरटेक, इनको देना धक्का मैं। ओह माय गॉड, the winds, the weather, the hills of Udaipur, the Aravallis. So palace was built by Maharaja Sajjan Singh in 1884. He wanted to build 9 stories, but unki premature death ke karan ye chota reh gaya. But it was completed by Maharaja Fateh Singh. आपको यहाँ से फतेह लेक दिखती है, महाराजा सज्जन सिंह का एंसेस्ट्रल होम जो चित्तौड़गढ़ है वो दिखता है, सिटी पैलेस दिखता है। रॉयल फैमिली यूज्ड टू यूज दिस प्लेस एज द हंटिंग लॉज, और मॉनसून के टाइम पे यहाँ से सारे सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट करने के लिए वो लोग ये जगह को यूज करते थे। इतना अच्छा लग रहा है अंदर, इतनी तेज की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन हैड द मोस्ट डिलीशियस थाली एट नटराज रेस्टोरेंट। उदयपुर में आप सबका स्वागत है, सब्सक्राइब कर दीजिए जिनका भी ये चैनल है।
And now for the last and the ending segment of this vlog. So there's going to be a little celebration ending this food trail organized by Times of India Rajasthan Tourism here. This is our ride for tonight. So on that note, the cuisine trail ended and reminded me of the importance of food on travels apart from the regular travel that I do. स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो आपने जयपुर में आके करा क्या? फूड ट्रेल पे आने का ही फायदा हो जाता है कि आपको वही पुरानी जगहों पे नई चीजें ट्राई करने को मिल जाती है नए तरीके से. So that's it for this vlog. I'll see you in another one. This is signing off. Bye bye.